Hello friends, today I will explain you the story The Kite Festival in Hindi. Theme: Festival. For Hansa, 14th January was always a very special day. 14 January hamesha se Hansa ke liye ek bahut khas din tha. Because on this day the sky was full of kites of different colors, shapes or sizes. क्योंकि इस दिन जो आसमान था वो काइट से भरा रहता था जो कि रंग बिरंगी थी, अलग अलग शेप्स की थी, कोई बड़ी थी तो कोई छोटी थी, ऐसी थी. Hansa loved watching the colorful kites floating in the sky. Hansa को बहुत पसंद था कि वो काइट्स को आसमान में तैरते हुए देखे. She wanted to fly one too. और वो एक काइट उड़ाना भी चाहती थी. This year her dream was finally coming true. और इस साल उसका सपना पूरा होने वाला था. She was going to participate in the kite flying festival in Ahmedabad. इस साल वो अहमदाबाद के काइट फ्लाइंग फेस्टिवल में हिस्सा लेने वाली थी. Four more children from different parts of the world were going to join her. दुनिया की चार अलग अलग जगहों से कुछ उसके दोस्त उसे इस साल ज्वाइन करने वाले थे उसके साथ काइट उड़ाने के लिए. अजाकी वॉज फ्रॉम जापान. क्रिस was from America. Shane was from China and Jenny from Indonesia. Hansa was very excited. She went to the airport to receive her new friends. Hansa bahut khush thi aur wo airport gayi, yani hawai adde pe gayi apne kuch naye doston ko milne. They had got special kites for Hansa. उनके पास Hansa के लिए कुछ special kites थी. She was delighted with her gifts. उसे उनके gifts बहुत अच्छे लगे. तो चलिए आगे देखते हैं Hansa के पास कौन सी नई kites आई. The kite from Japan looked like a doll. ये जो kite है ये जापान की काइट है. अजाकी टोल्ड देम दैट अ काइट इज कॉल्ड टैको इन जापानीज. अजाकी ने हंसा को बताया कि काइट को जापानीज में टाको कहते हैं. एंड दे टू हैड अ काइट फेस्टिवल. और उनके वहाँ जापान में भी काइट फेस्टिवल होता है. क्रिस got a kite that looked like an aeroplane. क्रिस जो हंसा के लिए काइट लाया था वो एक एरोप्लेन की तरह थी. He made it himself at a kite making workshop in Washington. क्रिस ने यह काइट खुद बनाई थी एक काइट मेकिंग वर्कशॉप जो कि वॉशिंगटन में थी. It was red and green as they were his favorite colors. जो काइट थी वो रेड और ग्रीन कलर की थी, लाल और हरे रंग की थी क्योंकि वो उसके फेवरेट कलर्स थे. शेन्स काइट वॉज वेरी ब्यूटिफुल. ये शेन है और उसकी ये काइट है जो कि बहुत सुंदर है. हंसास आईज लिट अप As she saw it, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं हंसा कितनी सरप्राइज है शेन की इतनी सुंदर काइट देखकर. It was made of silky shiny cloth and was in the shape of a large golden dragon. ये जो काइट थी वो कपड़े की बनी हुई थी
और ये एक लार्ज गोल्डन ड्रैगन की तरह थी। शेन टोल्ड देम दैट काइट्स वर इन्वेंटेड इन चाइना। शेन ने सभी को बताया कि काइट्स चाइना में इन्वेंट हुई थी और चाइना में बिगेस्ट काइट म्यूजियम भी है दुनिया का। जेनी वॉज द लास्ट टू टेक आउट हर काइट। जेनी ने अपनी काइट सबको सबसे अंत में दिखाई, यानी लास्ट में दिखाई। शी टोल्ड देम दैट इंडोनेशियन काइट्स वर सिमिलर टू चाइनीज काइट्स। उसने बताया कि जो इंडोनेशिया की काइट्स थी वो चाइनीज काइट्स की तरह ही थी। हर काइट लुक लाइक डेंजरस ड्रैगन। उसकी काइट एक डेंजरस ड्रैगन की तरह थी। बट देर वॉज समथिंग स्पेशल अबाउट इट। पर ये जो काइट थी इसकी कोई स्पेशल क्वालिटी थी। देखते हैं क्या थी। देर वॉज अ स्मॉल विसल अटैच टू इट्स माउथ। इसके माउथ के पास एक स्मॉल विसल थी। सो वेन इट सोड इन द स्काई इट मेड अ विसलिंग साउंड। और जब वो हवा में तैरती थी तो एक विसल बजती थी। हवा का झोंका आता था, विसल में से जाता था तो विसल में से आवाज आती थी। द एंटायर सिटी ऑफ अहमदाबाद वॉज डेकोरेटेड विद काइट्स। अहमदाबाद की पूरी सिटी काइट्स से डेकोरेटेड थी और बहुत सुंदर भी लग रही थी। हिज फ्रेंड्स वर सरप्राइज टू सी सो मैनी काइट्स बींग सोल्ड ऑन द रोड साइड। उसके फ्रेंड्स बड़े खुश थे देखकर कि चारों तरफ कितनी सुंदर सुंदर काइट्स हैं। दे वर ब्यूटिफुल एंड हैड ऑल काइंड ऑफ डिजाइन ऑन देम। जो काइट्स थी वो बहुत सुंदर थी और उनके पास तरह तरह के डिजाइंस भी थे। नेक्स्ट डे द चिल्ड्रेन गॉट टुगेदर टू मेक अ स्पेशल काइट। अगले दिन फाइव फ्रेंड्स अपनी एक काइट बनाने में लग गए। इट वॉज मेड इन द शेप ऑफ अ पीकॉक द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। जो काइट थी वो एक पीकॉक की शेप में थी जो कि इंडिया का नेशनल बर्ड है। दे यूज डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्लू एंड ग्रीन्स टू मेक द काइट। इट लुक्ड ब्यूटिफुल एंड दे डिसाइडेड टू कॉल इट पीकी। जो काइट थी वो ग्रीन और ब्लू शेड्स की थी, बहुत ही सुंदर थी और उन्होंने उस काइट को नाम दिया पीकी। फाइनली पीकी वॉज रेडी टू फ्लाई। अब पीकी उड़ने के लिए तैयार थी। द चिल्ड्रन वर रियली एक्साइटेड। अलजाकी एंड क्रिस हेल्ड पीकी वाइल हंसा एंड शेन हेल्ड ऑन द स्ट्रिंग टाइटली एंड जेनी होल्ड द स्ट्रिंग रोल। अब चिल्ड्रन बहुत खुश थे। अलजाकी और क्रिस ने पीकी को पकड़ा, हंसा और शेन ने स्ट्रिंग को पकड़ा और जेनी ने स्ट्रिंग रोल पकड़ रखा था। दे वेटेड फॉर अ स्ट्रॉन्ग विंड एंड देन अजाकी एंड क्रिस लेट द गो ऑफ द काइट। उन्होंने इंतजार किया कि कब एक हवा का तेज झोंका आएगा और हम काइट को छोड़ेंगे। अप वेंट पीकी हाई अप इन द स्काई। द चिल्ड्रन वर थ्रिल्ड। पीकी बहुत ऊपर आसमान में उड़ी। बच्चे बहुत खुश हुए। पीकी वेंट ओवर द हाउसेस एंड ट्रीज। पीकी सभी घरों और पेड़ों से ऊपर चली गई। इट केप्ट गोइंग हायर एंड हायर। इट वेंट फार अबव ऑल द अदर काइट्स।
टीकी बाकी सभी काइट से सबसे ऊपर चली गई। Soon they started losing sight of पीकी। जल्द ही उन्हें पीकी दिखनी बंद हो गई। The क्रिस called out, Hansa, we should get पीकी back। क्रिस ने आवाज लगाई हंसा को कि हमें पीकी को वापस लाना चाहिए। So Hansa and Shane began to pull the string to get the kite back. Azaki came to help Hansa and Shane. Then Chris and Jenny joined in. All five of them pulled and pulled, but Peaky kept flying. Un five friends ne milkar Peaky ko khicha. फिर भी पीकी वापस नहीं आई और वो उड़ती रही। जस्ट देन हंसा गॉट एन आइडिया। तभी हंसा को एक आइडिया आया। शी कॉल्ड आउट एवरीवन टू हेल्प देम। उसने सबको बुलाया कि वो उनकी हेल्प करें। सो हर पेरेंट्स कजन्स आंट्स and uncles all tugged and pulled and tugged with all their might. So उनके मम्मी पापा ने अंकल आंटी ने मिलकर काइट की स्ट्रिंग को खींचा और खींचा अपनी पूरी शक्ति से। Slowly Peaky started coming down and finally landed on the ground. और जल्द ही पीकी नीचे आनी शुरू हो गई और लैंड पर लैंड हो गई। एवरीवन क्लैप्ड एंड चीयर्ड फॉर पीकी। सभी ने पीकी के लिए तालियां बजाई। पीकी द पीकॉक काइट वाज अनाउंस्ड द विनर। पीकी जो एक पीकॉक काइट थी उसे विनर अनाउंस किया गया, यानी विजेता अनाउंस किया गया। द फाइव चिल्ड्रन वर जॉयस एंड पीकी बिकेम द स्टार ऑफ द शो। जो पांच बच्चे थे वो बहुत खुश हुए और पीकी शो की स्टार बन गई। थैंक यू फ्रेंड्स।